सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा द्वारा हिस्ट्री शीटर व गैंग मेंबर्स के संकल्प शिविर से प्रभावित होकर एक हिस्ट्री शीटर सन्नी पहाड़ी ने की अपराध से तोबा खाई, अपराध न करने की कसम, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने जानकारी दी। जी, इसमें थाना सदर बाजार के ये हिस्ट्री शीटर हैं जो अभी आए थे, ये एक नवयुवक हैं, इनके चार बच्चे हैं, इनके द्वारा बताया गया और ये हाल ही में एक सप्ताह पहले जेल से छूट के आए हैं, 21 महीना जेल में रहे हैं। परंतु अब इनका कहना है कि ये हमारे जो संकल्प शिविर लगा था पुलिस लाइन में, उसमें आए और बातों से प्रभावित हुए हैं और ये अपराध की दुनिया छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जेल में रहने के कारण इनके परिवार पर कुप्रभाव पड़ा है और ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहते हैं, जिसके चलते हमने भी इनको सुना और इनको पूर्णतः आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार से इनका गलत तरीके से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और ये अगर अपराध की राह छोड़ते हैं तो पुलिस भी उसमें इनका सहयोग करेगी, लेकिन इनके द्वारा यदि कोई अपराध किया गया तो उसमें पुलिस इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी करेगी, ये भी इनको बताया गया है। अब इन पर हम सजग निगाह रखेंगे, सतर्क निगाह रखेंगे और लगातार इनको संपर्क में पुलिस के रहेंगे और अगर इनके द्वारा अपराध नहीं किया जाता है तो इनका नाम स्ट्रीट सीट से हटवाने पर विचार किया जाएगा। सहारनपुर में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के द्वारा आज जिलाधिकारी को प्रधान स्तर के अधिकारियों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्रेटरी व पटवारियों के द्वारा अपनी मनमानी करना, अधिकारियों को गुमराह करना और खुलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पहले संगठन के द्वारा बड़े अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साथियों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, हमारे कुशल नेतृत्व योगी जी के द्वारा ग्राम स्तर में काफ़ी योजनाएं दी जा रही हैं, दिन पर दिन नई नई ठोस योजनाएं जो देने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे प्रधान स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी है चाहे वो पटवारी है, वो खुल्लम खुल्ला पैसे की उबराई कर उन कामों को बाधित करने का काम कर रहे हैं। इसकी सारी शिकायतें SDM महोदय को भी दी जाती हैं, CDO साहब को दी गई, DPRO साहब को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई होने का काम नहीं हो रहा है। आज हम इस बात को लेकर DM साहब से मिलने आए हैं, सुबह से यहीं पर बैठे हैं। साफ तौर पे हमारा कहना है, जितने भी गलत काम आज गांव में हो रहे हैं, सबके जिम्मेदार पटवारी और सेक्रेटरी हैं और बड़े अधिकारियों का जो उनके ऊपर सरपरस्त हैं, उनका खुल्लम खुल्ला उन्हें आशीर्वाद है, इसलिए बेखौफ घूमने काम हो रहे हैं। सहारनपुर में नगर निगम ने लोहानी सराय व ढोली खाल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए अनेक दुकानदारों का सामान जब्त किया, बाद में जुर्माना लगाकर सामान लौटाया गया, साथ ही चेतावनी भी दी गई। पटेल नगर में स्मार्ट पार्क के निकट भी सड़क पर किया गया अतिक्रमण, JCB से ध्वस्त किया गया। सहारनपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिला अधिकारी ने बच्चों में, महिलाओं में पोषण के प्रति जागरूकता करने को लेकर निकली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, इसके तहत बच्चों में पोषण की कमी व महिलाओं में पोषण की कमी को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जैसे कि बच्चों में पोषण की कमी पर किस चीज़ का इस्तेमाल करें उसकी भी जानकारी दी जा रही। देवबिंद में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व